हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द एनटीएससी। एनटीएससी इज द बेस्ट ओलंपियाड टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द क्लास ऑफ द स्टूडेंट 10। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द एन ऑब्जेक्ट जस्ट वेट An object is the placed in front of the concave mirror of the radius of the curvature 15 centimeter and the distance of the 10 centimeter. The position and nature. Here we describe the position of nature of the image. तो students लोग यहाँ पर discuss करते हैं कि क्या position बनी होगी, क्या उसकी image कहाँ पर बनी होगी। जो देखिए यहाँ पर given है आपके question में कि u आपको गिवन है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ओके, f इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। f इज इक्वल टू -r/2, चूँकि कॉनकेव मिरर है इसलिए आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो माइनस होगी। इसका हो गया 15/2 हो गया, ये भी आपका सेंटीमीटर में है। ओके, फार्मूला आपने जो पढ़े हैं मिरर के फार्मूला क्या होते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, -1/10 इक्वल टू -2/15। नाउ 1/v इक्वल टू -2/15 प्लस 1/10। ओके, एलसीएम 30 -4 प्लस थ्री मीन्स माइनस आपका 1/30 -1/30। देन वी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर विद माइनस साइन, दैट मीन्स आपका -30 मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज द रियल एंड इन्वर्टेड। ओके गाइस, तो ये अपना क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नाउ मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द फार पॉइंट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पर्सन इज द 40 सेंटीमीटर। ये आइज प्रॉब्लम होती है जो माइक्रिक पर्सन होते हैं, मायोपिक होते हैं, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, उनकी फार पॉइंट कितना दिया गया, 40 सेंटीमीटर। टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंस। उसके लिए अब यह आपको बताना है कि फोकल लेंथ और पावर क्या होगी। तो बच्चों इसमें हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे आप लोगों का, यहाँ पर लेंस से रिलेटेड, उनके लेंस से रिलेटेड फार्मूला आप लोगों को यूज करना होगा। ओके, तो कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो है, इसमें आप लोगों का इसको हम इरेज करने की कोशिश करते हैं। पहले ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका फार्मूला जो है वो था क्या था बच्चों, 1/u इक्वल टू 1/f। जहाँ पे आपकी जो लेंस है, लेंस के लिए जो आपकी रेजेस आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम इन्फिनिटिव से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम इन्फिनिटिव से, तो यू की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इन्फिनिटिव हो गई। लेफ्ट साइड से आ रही है, तो मतलब आपका यू जो यहाँ पे पुट करेंगे आप वो रखेंगे -इन्फिनिटिव। ओके, और इसकी जो इमेज बनेगी वो आपकी पीछे की साइड में बनती लगेगी आपको। तो उसके लिए आपका जो एफ होगा, एफ वी क्या होगा, माइनस होगा। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, जो एफ निकलेगा यहाँ पे, वी आपको गिवन है,
वी आपको 40 दिया हुआ, तो जब आप रखते हो 1/40 माइनस 1/∞ इक्वल टू 1/f, ओके। तो आपको जो है इस फार्मूले में जो आपको निकल के आता है कि आपका इमेज फोकल लेंथ आ जाती है, वो क्या आ जाती है, माइनस 40 सेंटीमीटर, है ना। कॉन्केव लेंस है तो माइनस 40 आ जाएगी, और आपको मालूम है पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, पी बाई एफ होता है पावर इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ, तो 1/40 है ना। और आपको इसको इंटू 100 करेंगे, क्योंकि आपको इसको किस में चेंज करना है, डायोप्टर में लाना है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5, मीन्स आपका 2.5 डी का आपको, मतलब डायोप्टर इस पावर का आपको लेंस यूज करना होगा, इसका आप लोगों को लेंस यूज करना होगा, ओके गाइस। तो ये आप लोग फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, ये आप लोग पावर भी निकाल सकते हो, ओके गाइस। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखिए कि कोई इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 10 ओम दिया हुआ है, और आपका कंडक्टर एक लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस का, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सिक्स वोल्ट बैटरी, द टोटल करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिस्टेंस गिवन है, ओके, रेजिस्टेंस गिवन है, और क्या गिवन है, कंडक्टर जो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ छोटा सा वो आपको पता है, ठीक है। तो टोटल आप लोग रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, 12 हो जाएगा, करंट निकाल लीजिए, करंट निकाल लीजिए, करंट आप लोगों की आपको 6/12 हो जाएगी, ओके, 12 ओम हो गया, तो 6/12 हो जाएगी सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको भी अपना डिस्कस कर देते हैं इसी स्लाइड में, देखिए आइए स्क्रीन पर। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को आर गिवन है, देखिए कैसे आर गिवन है, आर इक्वल टू 10 ओम का तो आप लोगों को लगा हुआ है, उसके सीरीज में 2 ओम का और लगा दिया, तो टोटल आपका रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम हो गया, ओके गाइस। अब आप लोगों को पता है वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई इंटू आर होता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, करंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, आर 12 ओम है, तो आई बराबर क्या हो गया बच्चों, 0.5 एम्पियर हो गया, कितना हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालनी है, वोल्ट ऑफ द लैम्प निकालनी है, नेक्स्ट आप लोगों को वी निकालनी है, वी ऑफ द लैम्प निकालनी है, तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, आई आपको गिवन है लैम्प के लिए 0.5, ओके 0.5, और आप यहाँ पे टोटल वी इक्वल टू आई आर किस लैम्प के लिए, 10 ओम उसका रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का नहीं, ये किसका 10 ओम है, उस लैम्प का है, ठीक है ना, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो उसमें जो वोल्टेज फ्लो होगा, टोटल वोल्टेज तो 6 था, लेकिन उसमें जो वोल्टेज फ्लो होगा या वोल्टेज जरूरत पड़ेगी वो 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प जो होगा वो 12 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, ओके गाइस, ठीक है। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, 4 की तरफ मूव करते हैं, देखिए इसमें क्या कहता है आप लोगों का, अच्छा क्वेश्चन है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ द 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर, ओके। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका बहुत सारे बल्ब हैं जो कि 220 वोल्टेज की सप्लाई पे चल रहे हैं, और उन रेट कितना है, 20 वाट की रेटिंग है, तो कह रहा है कि कितने लैंप आप लगा दो, कितने लैंप आप उसके लगा दो, कनेक्टेड कर दो पैरेलल में एक दूसरे के, कि जो वायर है उसमें 220 की वोल्टेज की सप्लाई पास हो, जबकि अलाउबल करंट कितना हो, 5 एम्पियर हो, ठीक है बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप समझोगे, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, ठीक, आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक बल्ब है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक बल्ब है, तो बल्ब के लिए फॉर ए बल्ब आपको गिवन है, उसका पर्टिकुलर वोल्ट जो आप लोगों का उसका पर्टिकुलर वाटेज 20 वाट का बल्ब है, ठीक है ना। ओके, अब जो तो उसमें फ्लो करने वाली जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, फ्लो करंट करने वाली करंट जो हो जाएगी पी इजकल टू वी आई, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है पी इजकल टू वी इंटू आई। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, पी अपन वी। तो पावर आपको गिवन है कितनी, 20, और आपको वोल्ट कितना दिया गया, 220 वोल्टेज दिया गया है। तो करंट कितनी हो गई, 1/11 एम्पियर की करंट हो गई फ्लो कर रही है। ओके गाइस, ओके। तो अब ये 1/11 की करंट जो है पूरे जो भी आपके क्या लगे हुए हैं, लैंप लगे हुए हैं, कितने लैंप लगे हैं ये हमें पता नहीं है, वो हमें लैंप निकालने हैं, वो हमें लैंप निकालने हैं। नंबर ऑफ लैंप हम समझ लें कितने एन होते हैं, ठीक है ना। उसमें 11/11 की करंट फ्लो करनी है, ठीक है ना। और टोटल करंट कितनी फ्लो होगी बच्चों, टोटल करंट यहाँ पर आप लोगों की अलाउबल मैक्सिमम करंट, अलाउबल करंट है 5, कितनी है 5 ही एम्पियर की करंट वो क्या कर सकता है, ले सकता है। अलाउबल कितनी है, ये है। तो एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन इजकल टू 55, एन इजकल टू 55 बल्ब आप जो है इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और उसमें अगर वो 20 वोल्ट की रेटिंग के हैं तो उनको आप कितने वोल्ट की बैटरी से, 220 की वोल्टेज की बैटरी से चला सकते हैं, कितने 55 बल्बों की सीरीज को, ठीक है ना। ये दिवाली वगैरह में आप लोगों को क्या करती है, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं कि कितने बल्ब आप चला सकते हो, कितनी करंट फ्लो कर सकते हो। ओके गाइस, ठीक है। तो अब आप लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे आने वाला है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एक कॉपर रिंग इज द सस्पेंडेड बाई ए थ्रेड इन वर्टिकल प्लेन इफ वन एंड ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट अर्जेंटली टूवर्ड्स द रिंग, सोन द रिंग विल बी मूव टूवर्ड्स द मैग्नेट, नो चार्ज इज द पोजिशन, मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, फर्स्ट मूव टूवर्ड्स द मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में क्या किया गया, देखिए कम्स ऑन द योर स्क्रीन, ये देखिए एक आपका ये सस्पेंडेड है, देखिए कॉपर रिंग है, ठीक है, उसको थ्रेड से लटकाया गया है, वर्टिकल प्लेन में है। एक आपका मैग्नेट क्या लाया जा रहा है, पास में लाया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा इसमें। तो इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें जब हम इसमें हम कोई करंट वगैरह फ्लो करा नहीं रहे बच्चों, तो यहाँ पर कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। मैग्नेट को चाहे आप आगे लाइए चाहे पीछे लाइए, कुछ भी आप करिए, चाहे आगे लाइए चाहे पीछे करिए, कुछ भी करिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि इसके कॉपर रिंग में कोई भी फ्लो करंट का नहीं किया जाए। तो यहाँ पर बच्चों एज बाई माई अकॉर्डेंस कि आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप इसमें बता दीजिए कि आंसर आपका सेकंड है कि कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और ये रेस्ट में रहेगी रिंग, आपकी रेस्ट में रहेगी रिंग, आपकी रेस्ट में रहेगी, कोई भी आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये बच्चों तो ये वाला क्वेश्चन में आप सेकंड लगा दीजिए। नाउ कम्स ऑन द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द वन साइकिल ऑफ एसी। एसी करंट आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एसी करंट जब आपने पढ़ी थी तो उसमें आप लोगों को ये बताया गया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि एसी करंट में जो है आपका करंट जो होती है एसी और डीसी में, एसी में दोनों तरफ फ्लो करती है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, जीरो से मैक्सिमम जाती है। यहाँ मैक्सिमम प्लस साइड में है, ये प्लस साइड में है मैक्सिमम, और ये माइनस साइड में। तो एक बार क्या मैक्सिमम साइड में जाती है बच्चों, और एक बार क्या है ये, एक बार ये मिनिमम साइड में आती है, एक बार ये मैक्सिमम साइड में आती है, और एक बार ये मिनिमम साइड में आती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये प्लस भी जाएगी और माइनस भी जाएगी। तो आप लोगों को इसमें ये जवाब देना है, इसमें ये जवाब देना है कि आप लोगों का फर्स्ट मूव क्या करेगी, टूवर्ड्स एंड मूव अवे फ्रॉम द सॉरी ऑल द थ्री जो भी ऑप्शन इसके दिए गए हैं वो आपके सारे के सारे क्या होंगे,
सब सही होंगे, सब आपके ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।